गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 यानी द्वादश के सिलेबस का भौतिक विज्ञान का सेकेंड पार्ट। यानी हम स्टडी करने वाले हैं आज प्रिज्म। ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम पढ़ेंगे एक नई परिघटना जो प्रकाश द्वारा दर्शाई जाती है। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड नाउ यू विल स्टडी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ आप देख रहे हैं रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, आपको ऑलरेडी पता है ये परिघटना। हम फिर से एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, ये प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली ऐसी घटना है जिसमें यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से डेविएट हो जाता है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये एयर है, यानी ये वायु है, और ये मान लेते हैं कांच है। आपको ऑलरेडी पता है कि प्रकाश के परिगमन के लिए यानी लाइट के ट्रैवल करने के लिए दिस इज़ द फर्स्ट नेसेसिटी कि आपके दोनों माध्यम कैसे होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए यानी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। वायु भी ट्रांसपेरेंट है, कांच यानी कि ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है। देन व्हाट विल हैपन कि अगर प्रकाश की कोई किरण जा रही है तो ये सीधी नहीं जाएगी, इट विल नॉट गो लाइक दिस, इट विल डेविएट। अभी ये क्या करेगी, ये एक अभिलंब है, और क्योंकि ये विरल से सघन में, आप सभी को पता है कि वायु से जो कांच है वो सघन होता है, डेंसर मीडियम है, तो ये क्या करेगी, ये जो इंसिडेंट रे है ये रे मुड़ जाएगी किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ, यानी कि ये सीधी ना जा करके थोड़ी सी टर्न हो जाएगी, दैट इज रिफ्रैक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नाउ ये आप लास्ट चैप्टर में सब स्टडी कर चुके हैं, और दो लॉज हैं इसके। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ये है कि द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं यानी एक ही तल पर होते हैं। दूसरा क्या होता है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, वन एंड टू यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो किससे दिया जाएगा, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात से। दिस इज सिंपली अपवर्तन के नियम है ये, जो आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे प्रिज्म। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरीके से आप घर में देखते हैं, आपने कभी कभी ये फिनोमेना देखा है कि यदि आप रोशनी में यानी धूप में अपने पेन को, जो ट्रांसपेरेंट हो जिसमें रिफिल डली हुई होती है, अगर उसे आप धूप में ले जा करके रोल करें तो आप देखते हैं कि उसमें कलर्स दिखाई देते हैं। वो जो फिनोमेना है उसे हम बोलते हैं डिस्पर्शन। अब वो होता कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं प्रिज्म। ये मैंने आपको ड्रॉ किया है ब्लैक बोर्ड में, तो आप इसे ये मत समझिए कि ये 2D में होता है, ये 2D नहीं है, ये एक 3D चीज़ है। प्रिज्म कैसा बना हुआ होता है, आप ग्लास की 3 स्लैब लेते हैं, इस तरीके से एंगल करते हैं, एक नीचे से लगाते हैं इस तरीके से, और सारी कैसी होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। हमने इसके बेस को यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, मान लेते हैं ये है ए बी सी, दीज टू साइड्स, ये और ये साइड, इन्हें हम बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ यानी रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, अपवर्तक पृष्ठ। ये भी है और वो भी है, क्योंकि आप जो लाइट रे आएगी वो इधर से भी इंसिडेंट हो सकती है, इधर से भी इंसिडेंट हो सकती है, इसे भी आप अपवर्तक पृष्ठ ही बोलेंगे। नाउ अभी देखिए, ये जो एंगल है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी ये प्रिज्म को डिफाइन कर रहा है। एक और चीज है जो प्रिज्म को डिफाइन करेगी, वो होगा मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। मटेरियल ऑफ प्रिज्म मतलब ये ग्लास का बना हुआ है, तो किस ग्लास का बना हुआ है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लासेस होते हैं, आप देखते हैं ना, कुछ ग्लासेस बहुत ही फ्रजाइल होते हैं, टूट जाते हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग होते हैं, देन दे ऑल आर ट्रांसपेरेंट, वो सभी पारदर्शी होते हैं लेकिन वे अलग अलग होते हैं क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, जैसे फ्लिंट ग्लास होता है, अलग अलग ग्लासेस हैं। तो ये कौन से ग्लास से बना हुआ प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है,
मटेरियल से क्या मतलब है कि उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि जो हम लाइट रे इंसिडेंट करेंगे वो किस तरीके से बिहेव करेगी। अब देखिए क्या इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है प्रिज्म में कि वो एक नया फिनोमेना आपको शो करता है। क्या शो करता है? अभी तक आपने देखा था, हम इसे फिर से ड्रॉ करते हैं। वंस अगेन ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है जिसे हम ए बोलेंगे। अभी मान लेते हैं हमारी एक रे आ रही है और इस रिफ्रेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट हो गई ना, व्हाट विल हैपन? हम अगर यहां पर देखें तो ये एयर है, ये ग्लास है एंड वंस अगेन ये क्या है? एयर। व्हाट विल हैपन? जब एयर से ग्लास में जाएगी, यहां पर हम अभिलंब यानी कि नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये क्या होगी? क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है, इट विल गो क्लोज यानी ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। झुक गई, राइट? वंस अगेन अभी एयर से किस में जा रही है? ग्लास में। नाउ अब ये रिफ्रेक्टेड रे है, इसे आप कौन सी रे बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण, आंग्ल भाषा में आप इसे कह सकते हैं इंसिडेंट रे। ये कौन सी किरण है? एक बार इसका अपवर्तन हुआ है तो हम इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण या रिफ्रेक्टेड रे। नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ द रे विल गो फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब ये किरण, प्रकाश की किरण कहां से जा रही है? ग्लास से जा रही है एयर में। फिर से कहां जा रही है? सघन से जा रही है विरल में। फिर क्या करेगी? अभिलंब बना लेते हैं। अब इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है तो अभिलंब इस तरीके से होगा, राइट? अभी ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया अंदर के हिसाब से, इस फिनोमेना में देखते हैं रिफ्रेक्शन। तो ये क्या करेगी? डेंसर से रेयरर मीडियम में यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। दूर हट गई, ओके? अब एक चीज देखिए, ये यदि हमने प्रकाश की किरण कैसी ली थी? वाइट रे। एक्चुअल में क्या होगा, हमने आपको जो ये करके दिखाया है, इट विल नॉट हैपन लाइक दिस। ये जो रे है ये कई भागों में विभक्त हो जाएगी। व्हाट विल हैपन? एंड इफ यू रिमेंबर, यदि आपको याद हो तो आप टेंथ में पढ़ते हैं एक शॉर्ट नोटेशन, याद आया आप सभी को? VIBGYOR, विबग्योर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येल्लो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। यानी V से वायलेट यानी कि बैंगनी, इंडिगो यानी जामुनी, B फॉर ब्लू यानी नीला, ग्रीन हरा, येल्लो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड यानी लाल, ठीक है? तो ये जब हम देखेंगे कि हमने इंसिडेंट जो रे की थी वो वाइट थी, और जब हम इससे बाहर निकलने वाली रेज देखेंगे तो वो सारे अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती हैं। दिस ब्यूटीफुल इंसिडेंस इज नोन एज, इस सुंदर सी परिघटना को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण बच्चों इसका अर्थ है कलर, और विक्षेपण का मतलब अलग अलग हो जाना। ये जो परिघटना हो रही है ये क्यों हो रही है, आइए इसके बेस में चलते हैं। ये हो ही क्यों रहा है? अगर आप ग्लास स्लैब रखते हैं यहाँ पे तो क्या होता? हमने ये प्रिज्म रखा है तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे दो बार रिफ्रेक्शन हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? दो बार। एक रे दो बार रिफ्रेक्शन की परिघटना से गुजर रही है। दूसरी बात, ये जो दो परावर्तक पृष्ठ है इनके बीच एक पर्टिकुलर एंगल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, ग्लास स्लैब ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ दिस प्रिज्म। हम इस प्रिज्म की जगह यदि हम सिंपल सी ग्लास की कांच की प्लेट ले लेते तो क्या होता? ये रे जाती, डिस्पर्स होती, वंस अगेन जाती, लेकिन इसका जो पाथ डिफरेंस है वो समानांतर ही जाती। कैसी जाती? ये रे यानी इंसिडेंट रे और जो निर्गत रे है ये एक दूसरे के समानांतर होती। उसमें लेटरल शिफ्ट तो होता लेकिन वो क्या नहीं होता? वर्ण विक्षेपण नहीं होता उसमें। तो देर इज समथिंग, कोई ऐसी चीज है जो पर्टिकुलर किसके द्वारा की जा रही है? प्रिज्म के द्वारा की जा रही है। और वो क्यों हो रही है वो आपको हम बताते हैं कि आपने देखा एन
यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आप ऑलरेडी अपवर्तन के नियम में पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो प्रकाश के लिए उसकी एक क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं अपवर्तनांक। अब वो प्रकाश के लिए ही है सिर्फ, कि वो किस तरीके से प्रकाश से बिहेव करती है उसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। तो जो ये अपवर्तनांक है किसी ग्लास के प्रिज्म का वो, और जो ये एंगल है यानी एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये दोनों मिलकर के ही इस परिघटना को जन्म देते हैं। ऐसा क्यों है? अब एक चीज़ और यहाँ आ जाइए कि जो आपका दृश्य प्रकाश है जिसे हम देखते हैं, सूर्य से रोशनी आती है, एक्चुअल में ये हमें वाइट दिखाई देती है। बट क्या अभी आपने कभी देखा है कि वाइट के अलावा भी दिखती है? बिल्कुल दिखती है। जब आप सनराइज देखते हैं या आप सनसेट देखते हैं तो ये आपको वाइट नहीं दिखाई देती है, ये आपको ऑरेंजिश या येलो दिखाई देती है। जब आप शाम के समय आसमान को देखते हैं तो नीला नीला दिखाई देता है, जब आप दोपहर में देखते हैं तो वाइट वाइट दिखाई देता है। इन सब के पीछे यही फिनोमेना है। व्हाट विल हैपन, अभी जरा देखिए, दृश्य प्रकाश जो है वो क्या है, कई सारे वेव लेंथ का एक समूह है। कहाँ से है आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं। तो अभी आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो ये अलग अलग डिवीज़न हुआ है बच्चों, ये जो अलग अलग डिवीज़न है ये अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य के आधार पे है। यानी कि अलग अलग रंग का प्रकाश अलग अलग एंगल पे मुड़ जाता है जब वो दो बार अपवर्तन की क्रिया से गुजरता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस प्रिज्म का या मटेरियल ऑफ प्रिज्म का वो अलग अलग होता है अलग अलग रंगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल विबग्योर है, यानी कि अगर यही ग्लास है और उसमें अगर हम किसी तरीके से ऐसा कर सकें कि मान लीजिए 7500 एंगस्ट्रॉम इस तरंग दैर्ध्य की, ये लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, अगर लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है उसका पर्टिकुलर प्रकाश, आपने देखा ना कुछ बोलते हैं लेजर रे तो उससे रेड कलर निकलता है केवल, या किसी पर्टिकुलर से ग्रीन निकलता है, हम किसी तरीके से उसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसमें पर्टिकुलर वेवलेंथ ही हो, तो अगर हम इसे फाइंड आउट कर लें तो फिर ये परिघटना नहीं होगी, ठीक। अगर हम इसमें सफ़ेद प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश यानी जो कि सात रंगों का क्या है मिश्रण है उसे जब हम इंसिडेंट करते हैं तभी ये परिघटना जन्म लेती है। नाउ अगर हम इस प्रकाश को लेते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर जो ग्लास है उसका प्रिज्म का अपवर्तनांक मान लेते हैं, सिंबलाइज कर लेते हैं एन आर, आर इज ये आपका सबस्क्रिप्ट लगा दिया है ताकि पता चले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म फॉर रेड कलर लाइट, यानी लाल रंग के प्रकाश के लिए इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। इन द सेम वे बैंगनी के लिए क्या हो जाएगा, एन वी, वी फॉर वायलेट, येलो के लिए लिख लीजिए एन वाई, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, एन वी, एन आई, एन बी, एन जी, एन वाई, एन और वट एवर, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वी आर एंड वाई। वाई को मध्य में मान लिया गया है और रेड तो एक्सट्रीम है, लेफ्ट एक्सट्रीम आपका रेड है और राइट एक्सट्रीम आपका क्या है, वायलेट है। तो क्योंकि ग्लास के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए, यही कारण है कि जब प्रिज्म से होकर एक श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसका बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल है, जब कभी बारिश होती है जुलाई उलाई के मौसम में आप देखते हैं कि आपको दिखाई देता है इंद्रधनुष, रेनबो जिसे बोलते हैं, वो कैसा, देखिए ड्रॉप जो आपकी वाटर ड्रॉप होती है बच्चों उसका शेप इस तरीके से होता है, होता है आप बनाते हैं ना कभी नल से पानी चूता हुआ बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं ना, व्हेन ड्रॉप ड्रॉप्स देन ऐसा बनाते हैं ना, तो इट इज सम व्हाट लुक लाइक लाइक ए प्रिज्म। तो ये क्या करती है, जो ये जब बारिश होती है और सूर्य भी निकला हुआ होता है यानी श्वेत प्रकाश आपका सूर्य से चलकर पृथ्वी तक आ रहा होता है और यदि उसके मार्ग में प्रकाश की बूंद एक प्रिज्म का कार्य करने लगती है तो क्या होता है कि यहाँ पर वही प्रक्रिया होने लगती है यानी वर्ण विक्षेपण होने लगता है और आपको अपोजिट साइड में यानी सन जहाँ पर है उसके अपोजिट साइड में आपको रेनबो दिखाई देता है। दैट इज ये सुंदर सा जो फिनोमेना है इसे हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। नाउ अभी देखिए इसमें एक चीज आपको एक नया टर्म सीखना है जिसे बोलते हैं विचलन, विचलन, चलन का मतलब चलना, वी का मतलब मार्ग से हटकर चलना, तो विचलन
अंग्रेजी में से बोलते हैं डेविएशन। अभी देखिए ये रे अगर सीधी चली जाती, यहाँ पर कोई प्रिज्म नहीं होता तो हम इसे डॉट से ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ओके। अब अगर हम इस रे को बैकवर्ड्स बढ़ाते हैं, हर रे को बढ़ा के आप देख सकते हैं, तो जो ये एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है और प्रकाश की किरण जो निर्गत हो रही है, दोनों को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो वो जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ क्रॉस करती हैं, वहाँ जो एंगल जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं विचलन कोण या विचलन। यानी कि कुल मिलाकर कहने का ये अर्थ है कि यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो वो सीधी जाती, और यदि हम इधर से रे को एक चीज़ और आपको रिमाइंड करानी है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ये आप लास्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। प्रकाश का एक बहुत अच्छा गुण है कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक मार्ग से होकर जा रही है और किसी परिघटना को परिलक्षित कर रही है, तो यदि हम क्या करें कि निर्गत वाले मार्ग से इंसिडेंट करें, यानी कि आपतित जहां से हो रही है वहां से निर्गत हो और जहां से निर्गत हो रही वहां से आपतित हो, तो क्या होगा, बीच में उसका मार्ग बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, वो जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से वापस आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहां से इंसिडेंट रे अगर आप माने तो ये इसी मार्ग से होकर वापस जाएगी। दैट इज नोन एज प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत या लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। नाउ अब ये परिघटना तो आपने देख ली, तो आप ये समझेंगे कि जो ये विचलन है क्या ये किसी और चीज़ पर भी डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि ग्लास का मटेरियल जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग है। पर एक चीज़ और है जिससे इसके मान में परिवर्तन होता है और वो है ए, यानी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखते हैं उस पर किस तरीके से डिपेंड करता है। लेट मी ड्रॉ द रिलेशनशिप। आप सभी को पता है कि यदि हमें किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का रिलेटिव स्टडी करना होता है, यदि हमें किन्हीं भी दो भौतिक राशियों का एक तरीके से अध्ययन करना होता है, आपेक्षिक अध्ययन, तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफ। एक एक क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरी क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर लेते हैं, देन वी सी कि किस तरीके से उसका रिलेशनशिप चल रहा है। देन अगर हम ऐसा करते हैं कि हम एक्स एक्सिस पर आपतन कोण को यानी इंसिडेंट एंगल को और y एक्सिस पर विचलन कोण को इंसिडेंस एंगल को आप जानते हैं, इसका सिंबल हमेशा होता है स्मॉल i, और विचलन कोण का मैं आपको बताती हूँ डेल्टा डेल्टा, ओके। अगर हम क्या करें, ये हम ड्रॉ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस i1 रखा, उसके बाद दूसरी कंडीशन में प्रिज्म सेम, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रिज्म आपने वही लिया हुआ है, प्रिज्म आपने नहीं चेंज किया है, बस आपने क्या चेंज किया आई का वैल्यू। मान लेते हैं यहाँ पर आई वन है, यहाँ पर मान लेते हैं आई टू है, और फिर उसके बाद हम विचलन को देखें, यानी फाइनली जब इससे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये डेल्टा टू है ये आई टू के लिए, आप ये चीज़ सीखें कि हम विचलन को किस तरीके से डिनोट करते हैं। जो आपकी आपतित किरण है, जो आपकी निर्गत किरण है, उनको बैकवर्ड्स, आप आपतित किरण को आगे की तरफ और निर्गत किरण को पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो जो इंसिडेंस का पॉइंट आता है वहाँ जो एंगल जनरेट होता है उसे हम विचलन कोण बोलते हैं। तो ये आपका हो गया डेल्टा वन और ये हो गया डेल्टा टू। इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई के लिए यानी आपतन कोण के विभिन्न मानों के लिए जो आपका विचलन कोण है उसका मान निकालेंगे और फिर उसको ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कैलिब्रेशन कर लेते हैं 20-20 डिग्री एंगल्स का, मान लेते हैं 20, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, लाइक दिस 20, 40, 60। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसे ड्रॉ करते हैं, देन वी गेट, तो हमें प्राप्त होता है एक ऐसा वक्र, वो कोई रेखा नहीं होती है, एक वक्र आपको प्राप्त होता है किस तरीके का,
इस तरीके का कुछ आपको वक्र मिलता है। अभी देखिए ये कर्व क्या कह रहा है, ये कर्व ये कह रहा है कि जब आपतन कोण का मान 20 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है, वैसे ऐसे में डिस्पर्शन आपका सो नहीं होता, 20 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है तो कुछ वैल्यू है आपके एंगल ऑफ डेविएशन की। उसके बाद आपने आपतन कोण को थोड़ा बढ़ा दिया, आपने 30 के अबाउट कर दिया तो ड्रॉप हो गया, आपका विचलन कोण नीचे आ गया। उसके बाद फिर आपने किया थोड़ा आगे तो ये मिनिमम पॉइंट पे आ गया। ये एक ऐसा पॉइंट है यानी आपतन कोण का ये मान, इस पॉइंट पर जो आपका विचलन कोण है वो मिनिमम होगा। उसके बाद जब आप इसको बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ आप देख रहे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण को बढ़ाने पर जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन था वो ड्रॉप हो रहा था, यानी उसका मान कम हो रहा था। लेकिन एक मिनिमम पर पहुँचने के बाद फिर अगर आप आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो वंस अगेन उसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। यानी कि एक पर्टिकुलर आपतन कोण होता है जिसके लिए मिनिमम विचलन होता है, यानी कि कम से कम डेविएशन यानी विचलन उत्पन्न होता है किसी एक आपतन कोण के मान के लिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमें विचलन कोण मिलता है उसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम। यहाँ पर जो एम सबस्क्रिप्ट है ये मिनिमम के लिए लगाया गया है, डेल्टा मिनिमम, इसे बोलते हैं अल्पतम विचलन। क्या बोलते हैं? अल्पतम विचलन। अब एक चीज बच्चों ध्यान दीजिए कि जो ये अल्पतम विचलन है ये कंडीशन आपको मिलती है, आप कई सारे आपतन कोण जब आप इंसिडेंट करेंगे और अलग अलग तब आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखते हैं किस चीज़ पर डिपेंड करता है और ये कंडीशन कब आएगी। तो आप देखिए हम ये कंडीशन तब प्राप्त कर सकेंगे जब हमारी जो इंसिडेंट रे है और जो अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रेक्टेड आपकी रे है उसके बीच एक पर्टिकुलर रिलेशन है। वंस अगेन हम आपको ये ड्रॉ कर रहे हैं और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मे बी ड्रॉ करने में ये चीज़ थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है। ये कैसा है? आइसोसेलस ट्रायंगल बना रहा है, यानी कि ये दो भुजाएं समान हैं, यानी ये और ये कैसा है, सेम है और ये डिफरेंट है। लाइक ये है आपका प्रिज्म कोण, ये आपकी अपवर्तक पृष्ठ है। तो अगर एक रे इस तरह से इंसिडेंट हो कि वो अपवर्तन के बाद यानी जो पहला अपवर्तन का फिनोमेना हो रहा है, पहली बार अपवर्तन की जब घटना हो रही है, तो ये जो आपकी अपवर्तित किरण है ये आधार के समानांतर जा रही है। कैसी जा रही है? आधार के समानांतर। उसके बाद दोबारा से परिघटना हो रही है और ये आपको निर्गत किरण मिल गई। नाउ इस कंडीशन में यदि आप इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण को आगे की तरफ और आपकी निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं, इस पॉइंट को हम डी से डिनोट कर लेते हैं, इसे ए बी सी सिम्बलाइज कर देते हैं, पी क्यू आर एस, ये आपकी रे का पाथ है। रे आपकी पी क्यू रे इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण है, क्यू आर आपकी अपवर्तित किरण है और आर एस आपकी निर्गत किरण है। तो क्या होता है यहाँ से आप एक चीज़ और देखें, हम अभिलंब ड्रॉ कर रहे हैं अब, क्योंकि आपतन बिंदु पर अभिलंब ड्रॉ किए बिना आप अपवर्तन की घटना को नहीं दिखा सकते। ये मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, आप इसे कुछ भी मान लीजिए, कोई भी पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। नाउ अब आती है ज्योमेट्री, दिस इज़ वेरी सिंपल। आपकी बहुत कक्षा 8 की या ज़्यादा से ज़्यादा 10 की, इसमें आपको ज्यामिति यूज़ करनी है और कुछ भी पर्टिकुलर नहीं। तो आप देखते हैं, नाम देखते हैं, यहाँ से जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसे हम क्या लिख लेते हैं, आई। जो आपका यहाँ से रिफ्रेक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन यानी अपवर्तन कोण है, उसे आर मान लेते हैं। यहाँ पर फिर से जो बाहर निकल रहा है निर्गत एंगल उसको हम क्या मान लेते हैं, आई डैश। और जो इंसिडेंस यहाँ पर इंसिडेंस था उसको हम मान लेते हैं आर डैश। ये बच्चों सिर्फ मानने की बात है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, ये सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए इस तरीके से हमने माना है। तो ये जो मिनिमम ये डेविएशन का एंगल इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा विल बी मिनिमम। क्यों होगा? क्योंकि जो आपकी ये अपवर्तित किरण है यानी आपतित किरण के बाद जो अपवर्तित किरण है वो पैरेलल है किसके, आधार के। जो आपका प्रिज्म है उसके आधार के कैसा है, पैरेलल। और ये कंडीशन हमें तब मिलती है, यहाँ से देखिए एक चीज़ और है,
हमें ये पता है कि बाय डेफिनेशन जो अल्पतम विचलन है वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर आपतन कोण के लिए प्राप्त हो सकता है, राइट। और हमें रिवर्सिबिलिटी का लाभ पता है, कौन सा लाभ? प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इसका ये अर्थ है कि यदि ये इंसिडेंट रे होती, ये इंसिडेंट रे होती तो ये अपवर्तित रे होती और ये क्या हो जाती? निर्गत किरण हो जाती। तभी भी क्या होता? तब हम इसे आई बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? ये आपका क्या हो जाता? सबसे बाहरी एंगल, और ये क्या होता? आपका इंसिडेंट एंगल। नाउ तो क्या करेंगे इस कंडीशन में? यदि हम यहाँ से लेते हैं तो कंडीशन आएगी आई मस्ट बी इक्वल टू आई डैश, यानी यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा तभी ये निर्गत कोण के बराबर होगा तभी ये कंडीशन फॉलो होगी कि जो डेल्टा है वो कैसा होगा? मिनिमम होगा। नाउ अब आप आगे नेक्स्ट वीडियो में आप स्टडी करेंगे कि हम किस तरीके से रिलेशनशिप बता सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। हम एक रिलेशनशिप बता सकते हैं कि आपतन जो आपका प्रिज्म है इसके कोण में और एन में कोई पर्टिकुलर संबंध होता है और उसे हम किस तरीके से डेल्टा मिनिमम से कोरिलेट कर सकते हैं। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे। मैं उसको अभी लिख देती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम जिसमें वो रखा हुआ है, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम by 2 upon sin a by 2, that's all, okay।